वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सो दोस्तों, मैं तुहाडा अपना हैरी धनोआ आज एक फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं हिंदी में ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियोस में जो मेरे पास कमेंट्स आए थे उसमें कुछ लोगों ने कहा तो सर प्लीज़ आप हिंदी में वीडियो बनाया कीजिए ताकि हमें भी समझ आ सके। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, बस यही तीन लैंग्वेजेस आती हैं मुझे, तो इनको मैं यूज़ करूँगा। तो अगर मतलब थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो है वो इधर उधर हो जाए तो कृपया उसे इग्नोर करें। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से कोई वीडियो नहीं लेके आ पाया। तो मैं उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि मेरी चल रही थी ग्रेजुएशन। नाउ माई ग्रेजुएशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो अब मैं क्या करूँगा, अब आपके लिए मैं नए से नए ब्लॉग जो है वो लेके आऊँगा। तो आज है डे ट्यूजडे, तो ट्यूजडे मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारा बहुत ही प्यारा वर्कआउट, जो सबसे मतलब ज़्यादा हमारा बड़ा पार्ट है बॉडी का, द बैक। बैक का वर्कआउट आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हम 5 सेट लगाएंगे। मैं 5 सेट के नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आएगा द लैट पुल डाउन, और जो सेकंड हमारे पास आएगा वो आएगा साइड डंबल रोज, और जो थर्ड सेट हमारे पास आएगा वो आएगा द ग्राउंड पुली, और फोर्थ सेट जो आएगा वो आएगा बारबर रोज, और उसके बाद आएगा क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। तो ये 5 एक्सरसाइज हम अपने बैक के वर्कआउट में करेंगे। अगर आप भी एक अच्छी बैक चाहते हैं, अच्छी बैक की कटिंग चाहते हैं, तो ये 5 एक्सरसाइज जो है वो अपने शेड्यूल में जरूर ऐड करें, और तुहानू बहुत ही वधिया रिजल्ट जिहड़े आउणगे। सो आओ, लेट्स गैट स्ट्रेट टू द वर्कआउट। द वर्कआउट जिहड़ा है पूरा जरूर देखियो, ते अपनी जिहड़ी वर्कआउट रूटीन है उहदे विच जरूर जिहड़ा है इहनू फॉलो करियो। सो यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। ठीक है जी, सारी वीडियो जिहड़ी है जरूर देखियो। हुण देखो, जिहड़ा तुसीं सैट देखिया तां लैट पुल डाउन, इसमें क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो फास्ट 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 मूवमेंट करते हैं। तो हमें फास्ट मूवमेंट जो है वो नहीं करनी, हमें क्या करना है, स्लो एंड स्टेडी पूरा सेट लगाना है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जाके पूरा यहाँ पे आके रोकना है और पूरा उसको स्ट्रेच कराना है। जैसे कि आपने क्लिप में देखा पिछली में कि मैं कैसे पैसे आ रहा हूँ, यहाँ पे आके स्टॉप कर रहा हूँ, फिर उसको पूरा आगे लेके जा रहा हूँ। तो इस वे में आपको जो है वो सेट परफॉर्म करना है, ताकि प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन जो है वो मसल तक जा सके और आपका मसल जो है अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है जी, पहला सेट है ये हमारा, और पहली एक्सरसाइज है, और इसके हमने लगाने हैं 4 सेट अप टू 8 to 12 reps। मतलब हमने हैवी टू हैवी वेट लगाना है, बिकॉज हमने क्या करना है, हमने मसल बिल्ड करना है। तो मसल बिल्ड तभी होगा जब मसल अच्छे से ब्रेक डाउन हो पाएगा। तो ये तुसी करने हैं 4 सेट 8 to 12 reps। देखो, जड़ियाँ मैं साइड रोज कीतियाँ आ डंबल दे नाल, उसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो अच्छे से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करवा देते हैं बैक को, जिसकी जो है, जो हमारा ये वाला मसल है मतलब लोवर, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, जो हम जिन्हें हम लव हैंडल्स बोलते हैं, वो उसको टारगेट करता है। तो हमने उसको टारगेट नहीं करवाना, हमने प्रॉपर स्ट्रेच करवाना है। मतलब ज़्यादा भी नहीं, ओवर स्ट्रेच नहीं करना, थोड़ा सा स्ट्रेच करा के उसको यहाँ पे लेके आना है। ये जो चीज़ है हमारी, वो इस चीज़ के साथ जो है टच होनी चाहिए हमारे लैट्स के साथ। तो यहाँ से लेके यहाँ पे आके रोक के फुल स्ट्रेच करवाना है। तो हमने ऐसे 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 कोई भी सेट नहीं लगाना, हमने प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में सेट लगाना है, क्योंकि हमने मसल ब्रेक डाउन करना है, हमने हड्डियाँ नहीं तोड़वानी अपनी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हम लगाएंगे 3 सेट 8 to 12 reps ही लगाएंगे। इसके भी हैवी टू हैवी जो है वो हम करेंगे। जैसे फर्स्ट सेट आप मान लो कि तुसी लगाया है 15 किलो का, 15 किलो के बाद आप जाओ 20 पे, 20 के बाद जाओ 25 पे। ठीक है जी, 3 सेट्स लगाने हैं हमको 8 to 12 reps विद फुल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है जी, ग्राउंड पुली। ठीक है ना, ग्राउंड पुली हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक जगह पे स्टेबल रह गए, अपनी जो बट है उसको ग्राउंड पे टिका के और ऐसे ऐसे स्ट्रेच करके लगाते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रेच लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे जाके ना ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हमने टेढ़े नहीं होना, हमने यहाँ पे रह के ऐसे पीठ सीधी रखनी है। जैसे आप क्लिप में देखोगे वीडियो पूरी, हमने ऐसे मतलब जो हमारा मसल है, जो हमारी पीठ है, उसको बिल्कुल फट्टे की तरह सीधा रखना है, ऐसे आगे जाना है
और ऐसे यहाँ पे आके रोकना है। ऐसे रोकने से क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड एंड ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड एंड ऑक्सीजन जाएगी तो मसल जो है वो प्रॉपरली ब्रेकडाउन होगा। तो यही मैकेनिज्म आपने हर एक एक्सरसाइज में करना है ताकि प्रॉपर ब्रेकडाउन जो है वो मसल की हो सके। तो इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 4 सेट 8 to 15 रेप्स आप जो है वो लगा सकते हैं। वेट इसमें आप मॉडरेट रखें, ज़्यादा हैवी ना जाएं, क्योंकि इसमें जो है हमारा लोअर बैक जो है उसकी एक्टिवेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें भी आप जो है 8 to 15 रेप्स लगाएं विद मॉडरेट वेट। तो अब जो हमारा 4th सेट रहेगा, 4th सेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट इन द वर्कआउट ऑफ बैक। कुछ लोग मतलब मैक्सिमम 80% लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज को नहीं करते क्योंकि किसी की पेट दुखती है, चलो उनका अलग इशू है, कुछ करते ही नहीं है कि हमें पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, दिस एक्सरसाइज इज द मदर ऑफ ऑल बैक एक्सरसाइजेस। तो आपको ये जो है वो अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करनी है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्रॉपर स्क्वीज एंड स्ट्रेच का मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो करना है जो आप क्लिप में देखोगे। क्लिप को अच्छे से देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि मैं जब भी वेट लगाता हूँ मैं यहाँ पे जाकर स्ट्रेच पूरा स्क्वीज कराता हूँ और नीचे जाते टाइम पूरा जो है उसको स्ट्रेच करवाता हूँ। तो ये मैकेनिज्म अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो है मसल प्रॉपरली जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि आप पहले यहाँ पे मसल ब्रेक डाउन करोगे, फिर घर पे जाके उसको रिपेयर करोगे, तो रिपेयर करने का तभी फायदा है जब मसल जो है अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है जी, तो इसके भी आप क्या करें, इसके आप 3 सेट लगाएं, इसके आप रखें 6 to 10 रैप्स रखें विद हैवी वेट एज मच एज यू कैन लिफ्ट। और इसमें पर यह है कि जो पीठ आपकी है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, पीठ आपकी ऐसे 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 नहीं करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हुए आते ऊपर आते रहते हैं, ऐसे आपने ये सेट नहीं परफॉर्म करना, आपने विद फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो सेट परफॉर्म करना है ताकि अच्छे से जो है आपकी बैक है एक्टिवेट हो सके। इसके आपने लगाने हैं 4 सेट अप टू 6 to 10 रैप्स। तो बेसिकली हमने क्या किया है, बेसिकली हमने मतलब अपनी टोटल बैक जो है उसको एक्टिवेट कर ही लिया, लेकिन अब हम एक प्रॉपर सेट लगाएंगे मतलब मिडिल बैक के लिए जो बहुत एफिशिएंट है, मतलब काफ़ी लोग जो है उसे प्रेफर करते हैं। तो हम लगाएंगे क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। क्लिप में आप देख सकते हैं कि उसका मैं मैकेनिज्म जो है वो एक्सरसाइज का कैसे किया है, ठीक है ना। वैसे ही आपको करना है, आपको चटके वगैरह जो है वो नहीं मरवाने, क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन लगाएं, उसके लगाएं आप 4 सेट्स अप टू 8 to 12 रैप्स और उसको 4 बारी रिपीट कीजिए। तो ये वर्कआउट जो है वो आप मतलब अपनी रूटीन में फॉलो करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट आएंगे। ये था हमारा बेसिक वर्कआउट जो मतलब जिन लड़कों को जिम में जाते हुए कुछ मतलब 10 to 15 डेज हो चुके हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा कि मैं कौन से मतलब 4 to 5 सेट्स लगाने हैं। 4 to 5 सेट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप जिम में जाते वर्कआउट ज़्यादा करते हो, मसल ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हो, प्रोटीन वगैरह नहीं पूरा कर पाते, अपने कार्ब्स वगैरह नहीं पूरा कर पाते, फैट नहीं पूरा कर पाते, और आपका जो है वो आप जो बढ़ना है वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। अगर आप ये 5 एक्सरसाइजेस करो तो दैट्स इनफ फॉर योर बॉडी। एज अ बिगिनर मैं आपको मतलब यही बोलूंगा कि आप ये 4 से लेके 5 सेट लगाएं ताकि आप जो है प्रॉपरली ग्रो कर पाएं। हमने सिर्फ यहीं पे जोर नहीं लगाना है, असीं घर जाके भी प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी आ, तां जिहड़ा असीं अपना जिहड़ा मसल है वो ब्रेक डाउन कीता आ उहनूं आपां दोबारा जिहड़ा है रिपेयर भी करना है। रिपेयर एंड रिकवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ठीक है ना। लोग की करते इतनी आ गए चलन दे वर्कआउट 2-3 घंटे वर्कआउट करते पर घर जाके जी 10 मिनट भी रिकवरी नहीं करते। सो तुम जी रिकवरी भी करनी है, सो 4 to 5 जो सैट्स आई लगाने हूँ। देखो इस वीडियो तो तुम देखने की मिलेगा कि मैं तुम्हें प्रॉपर टिप दी है। सब तो वही टिप यह है कि तुम जो फुल रेंज ऑफ मोशन सैट लगाना है। जी दूसरी नंबर टिप है वो तुम यह है कि तुम जो प्रॉपर स्क्वीज एंड स्ट्रेच वाला मैकेनिज्म है उसको फॉलो करना है, और नंबर 3rd जो है आपको वर्कआउट में रश नहीं करना, नंबर 4th जो है आपको 4 से 5 सेट ही लगाने हैं एज अ बिगनर। आपको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, ओवर वर्कआउट नहीं करना, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, आपको ओवर रिकवरी करनी है, मतलब रिकवरी आपको ज़्यादा करनी है और मसल ब्रेकडाउन जो है उसको थोड़ा कम करना है। सो ये थी आज की बैक की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि अगला मसल ग्रुप आप कौन सा चाहते हैं। बाकी मैं तो सारा डाल ही दूंगा, तो आपने जो है मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट इसी वे में कर सकते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। और ऐसी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते रहें मेरे चैनल पर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।